सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो भाई लोग, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रयागराज माघ मेले के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। माघ मेला हिंदुओं की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत सामंजस्य है। इलाहाबाद प्राचीन समय का प्रयाग में गंगा यमुना के संगम स्थल पर लगने वाला माघ मेला संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 जनवरी या 15 जनवरी को मकर संक्रांति के पावन अवसर के दिन माघ मेला आयोजित होता है। इस अवसर पर संगम स्थल पर स्नान करने का बहुत महत्व होता है। इलाहाबाद के माघ मेले की ख्याति पूर्वी विश्व में फैली हुई है तथा इसी के चलते इस मेले के दौरान संगम की रेतीली भूमि पर तंबुओं का एक शहर बसाया जाता है। माघ मेला भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों में मनाया जाता है। नदी या फिर सागर के स्नान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। धार्मिक गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा पारंपरिक हस्त के शिल्प, भोजन और दैनिक उपयोग की पारंपरिक वस्तुओं की बिक्री भी इस मेले के माध्यम से की जाती है। प्रयाग का मेला प्रत्येक वर्ष माघ माह में सूर्य मकर राशि में होता है। तब सभी विचारों, मत मतांतरों, साधु संतों सहित सभी आमजन आदि लोग तेवड़ी में स्नान करके पुण्य की भागीदार बनते हैं। इस दौरान 6 प्रमुख स्नान पर्व होते हैं। इसके तहत पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के स्नान पर्व प्रमुख हैं। प्रयाग के मुख्य शहर को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, जो भारत के सर्वाधिक पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। प्रयाग का माघ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है। हिंदू पुराणों में हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा द्वारा इसे तीर्थराज अथवा तीर्थ स्थलों का राजा कहा गया है, जिन्होंने 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर संपन्न किया था। हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों वेदों और रामायण तथा महाभारत जैसे महाकवियों और पुराणों में भी इस स्थान को प्रयाग कहे जाने के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर भारत में जल मार्ग के द्वारा इस शहर के सामरिक महत्व को समझते हुए मुगल सम्राट अकबर ने पवित्र संगम के किनारे एक शानदार किले का निर्माण कराया। प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी माह में या पवित्र संगम के किनारे विश्व प्रसिद्ध माघ मेला आयोजित होता है, जो प्रत्येक जनवरी में वर्ष मकर संक्रांति को आरंभ होकर फरवरी में महाशिवरात्रि को संपन्न होता है। और साथ में ही पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में अमृत कलश के निकलने पर देवताओं और असुरों का बहुत बड़ा संग्राम हुआ था। देवराज इंद्र अमृत कलश छिपाने के लिए पृथ्वी के चारों तरफ भाग गए, जिसमें से अमृत की कुछ बूंदे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिर गई थी। इसके बाद से उस कलश को भगवान विष्णु को दे दिया गया था। तभी से इन चारों जगहों पर स्नान का विशेष महत्व बनाया जाता है। मेले की एक और कथा पद्म पुराण में मिलती है। पुराण के अनुसार भृग देश की कल्याणी नामक ब्रह्माणी को बचपन में ही वैद्यवत प्राप्त हो गया था। इससे वह रेव कपिल के संगम पर जाकर तप करने लगी। इस दौरान कल्याणी ने 60 माघों का स्नान किया था और अंत में अपने प्राण वहीं त्याग दिए थे। लेकिन माघ मास में स्नान के पुण्य सेवा परम सुंदरी अप्सर तिलोत्तमा के रूप में अवतार लेकर इंद्रलोक चली गई। तभी से ही यह प्रयाग बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान धाम से माना जाता है। अंग्रेजों के जमाने में माघ मास में स्नान के लिए अंग्रेजों सरकार शुल्क वसूल किया करती थी। शुल्क से हुई आय को खर्च हुए धन से मिलान किया जाता था। खर्चों के लिए ऑडिट की कुख्यातता व्यवस्था थी। मिले दस्तावेजों के अनुसार ब्रिटिश सरकार कुंभ के खर्च का ऑडिट करवाती थी और खर्च पर निगाह रखने के लिए अधिकारियों की टीम लगाई जाती थी। यह टीम सीधे उत्तर पश्चिम के प्रांत सचिव को रिपोर्ट करती थी। अब आपको हम बताएंगे कि इस कल्पवास का महत्व क्या है, अर्थात वेदवाध्यन, मात्र पाठ एवं यज्ञ आदि कर्म करना। पुराणों में माघ मास में संगम तट पर निवास कर धार्मिक कर्म करने वाले कल्पवास कहा जाता है। एक माह तक चलने वाले कल्पवास के दौरान हर दिन पवित्र नदी में स्नान, यज्ञ, दान, अर्घ आदि कर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। धार्मिक कथा और प्रवचन सुनना जा जाता है और भौतिक सुखों से दूर रहा जाता है।
अब हम आपको बताएंगे कि क्यों 144 वर्षों में होता है प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन। प्रत्येक 3 वर्षों में कुंभ का आयोजन होता है। इस तरह नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन में 3-3 वर्षों के चक्र में अनुसार प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन मान्यता के अनुसार प्रयागराज में प्रत्येक 144 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। क्या है इसके पीछे कारण, आइए जानते हैं। पूर्व पुराण के अनुसार अमृत कलश की प्राप्ति हेतु देवता और राक्षसों में 12 दिन का निरंतर युद्ध चला था। हिंदू पंचांग के अनुसार देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्यों के 12 वर्ष माने गए हैं, इसलिए कुंभ का आयोजन भी प्रत्येक 12 वर्ष में ही होता है। मान्यता के अनुसार कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें से 4 का आयोजन धरती पर होता है और शेष 8 के देवलोक में होता है। इसी मान्यता के अनुसार प्रत्येक 144 वर्ष बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व अन्य कुंभों की अपेक्षा और बढ़ जाता है। प्रयागराज में कुंभ मेला पौष मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। प्रयागराज में कुंभ मेला विशेष महत्व रखता है। प्रयागराज कुंभ का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह 12 वर्षों में एक बार लगता है। यमुना एवं सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। सन 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, क्योंकि उस वर्ष पूरे 144 वर्ष पूर्ण हुए थे। संभवतः अब अगला महाकुंभ 138 वर्ष बाद आएगा। इसी परम पावन स्थल पर देवताओं ने मिलकर तप एवं सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आराधना की। सूर्य देव प्रसन्न हुए तथा उन्होंने वरदान दिया कि मेरे अपने पुत्र के घर में अर्थात मकर एवं कुंभ राशि में रहते हैं जो भी व्यक्ति इसी अति पवित्र संगम स्थल पर मेरी आराधना करेगा, उसे कभी कोई कष्ट अथवा व्याधा नहीं जताएगी। जिनके जल श्वेत और श्याम वर्ण की में हैं, जहाँ गंगा और यमुना मिलती हैं, उसे प्रयागराज संगम में स्नान करने वालों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और धीर पुरुष वहाँ शरीर का त्याग करते हैं और उन्हें अमृत्व अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल प्रयागराज में माघ मेला 2022 में 14 जनवरी से लग रहा है। कोरोना महामारी के बीच प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम तट पर तंबुओं का सहर बस गया है। इस बार प्रयागराज संगम की रेती पर 14 फरवरी से माघ मेला शुरू हो रहा है, जो कि 1 मार्च तक चलेगा। जिला प्रशासन ने प्रमुख स्नान पर तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को पिछली बार की तरह RT-PCR रिपोर्ट जारी होगी, साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालन कराया जाएगा। प्रयागराज के संगम तट पर हर साल माघ मेला लगता है। इसी तैयारियों कई महीने से पहले शुरू हो जाती हैं और 14 जनवरी तक पूरा मेला सज जाता है। इस वर्ष संगम तट पर ध्यान साधना के इस मेले की शुरुआत 14 जनवरी को मकर संक्रांति प्रथम स्नान से शुरू हो गई है। मकर संक्रांति के स्नान पर लाखों श्रद्धालु आकर डुबकी लगाकर अपने घर की ओर प्रस्थान भी कर चुके हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आने वाले संतों भक्तों से कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन कराना मेला प्रशासन के लिए सामने चुनौती होगी। हालांकि सरकार ने इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। वैसे माघ मेले में हर शिविरों में रजिस्टर रखने, वैक्सीन की दोनों डोज लेने का सर्टिफिकेट लेकर आने जैसी सख्ती के बीच जहां श्रद्धालुओं को प्रोटोकॉल के पालन के लिए जागरूक करने की बात कही जा रही है, स्थानों में भीड़ पहुँचने लगी है। कहा जा रहा है कि पिछले साल हरिद्वार कुंभ का अंजाम देखने के बावजूद मेले के आयोजन पर रोक लगाकर योगी सरकार विधानसभा के चुनावी समर में वोटरों को नाराज करने का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती, तो वहीं इस मसले पर दूसरे दल भी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। राधा आध्यात्मिक सत्संग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रा धाचार्य का शिविर अपर संगम पर लग चुका है। वह कहती हैं कि इस मेले में महीने भर साक्षात भगवान से साक्षात्कार अवसर मिलता है, तन मन निर्मल हो जाता है। ऐसे में उनका भरोसा है कि कोरोना संक्रमण का यह कोई असर नहीं होगा। फिर भी वह कहती हैं कि लोगों को मास्क लगाने के साथ ही सैनिटाइजेशन करना चाहिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें।